योगी की लखनऊ पुलिस का गुंडा राज, खुलेआम लोगों की कर रही हत्या। एक महीने के अंदर पुलिस कस्टडी में दो मौत, पुलिस वर्दी में घूम रहे जनता के हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले जिस लखनऊ में आईएएस पीसीएस मंत्री नेता संतरी की भरमार है, वहीं की जनता भगवान भरोसे जीवन जी रही है। नहीं पता कब कौन मार दिया जाए। पुलिस को बेलगाम छूट देने का परिणाम यह है कि माफिया की तरह व्यवहार कर रही पुलिस लोगों का खुलेआम कत्ल करने लगी है। जिस पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, वो ही अब जनता की जान लेने पर तुली है। जी हाँ, लखनऊ में एक महीने में पुलिस कस्टडी में एक नहीं बल्कि दो दो मौतें हो गई हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ये सब योगी के राज में हो रहा है। वहीं योगी सरकार जो जनता की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है और पुलिस को उनकी सुरक्षा में तैनात करती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत ने इन सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पूरा मामला लखनऊ की चिनहट थाने का है। जिस युवक की मौत हुई है उसका नाम मोहित पांडे है। शुक्रवार को बच्चों के विवाद में 32 साल के मोहित को चिनहट पुलिस ने हिरासत में लिया और उसे थाने लाई। सूचना पर उसका भाई शोभाराम थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि शोभाराम को पुलिस ने ये कहते हुए बंद कर दिया कि वह शराब के नशे में है, जबकि विपक्षी पक्ष को छोड़ दिया गया क्योंकि आदेश के चाचा एक नेता है। वहीं पुलिस ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ले जाने के दौरान मोहित की तबीयत बिगड़ गई थी और लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। युवक की मौत पर घर वालों ने आरोप लगाया कि लॉकअप में पुलिस ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीएम योगी से सख्त कार्यवाही की मांग की। मोहित के चाचा ने आरोप लगाया कि एक नेता के इशारे पर पुलिस लॉकअप में भतीजे की हत्या की गई। पुलिस वालों ने लॉकअप में उसकी बेरहमी से पिटाई की। मृतक की मां तपेश्वरी देवी ने इस पूरे मामले में एडीसीपी से भी शिकायत की। इसके बाद कार्यवाही करते हुए इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच चिनहट थाने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस लॉकअप में मोहित जमीन पर असहज स्थिति में लेटा हुआ दिखता है। वहीं लॉकअप में मौजूद एक युवक उसकी पीठ सहलाता दिखता है। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। आरोप लगे कि क्या मोहित पांडे की तबीयत पुलिस लॉकअप में ही बिगड़ी थी? क्या लॉकअप में मोहित के साथ पुलिस ने बर्बरता की थी? वहीं मोहित पांडे की मौत के बाद पुलिस वालों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। मोहित की मौत कथित तौर पर लखनऊ की चिनहट थाने की कस्टडी में हुई थी। अब इस थाने पर तैनात इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। इससे पहले इस मामले में रविवार को संबंधित पुलिस निरीक्षक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक मोहित की मां की शिकायत पर चिनहट थाने के निरीक्षक अश्वनी चतुर्वेदी और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधिकारी ने इस बारे में क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। सर, मोहित पांडे नाम के शख्स की एक मौत हुई है। आरोप ये है परिजनों का कि थाने में उसको पकड़ करके ले गए थे किसी मामले में और वहां पर उसकी मौत हो गई, वहां की तबीयत बिगड़ी। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी से? ये वाद विवाद का, दोनों पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है, ये दो पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ संदीपक की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर? कोई अभी ऐसा बताया गया, वहां से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद हिरासत में कब लिया गया था? अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोकल पुलिस ने आपको शेयर की है कि कैसे विवाद हुआ था, कौन लोग? अभी पूरी जानकारी हम आपको करके फिर आपको बता पाएंगे। जिस व्यक्ति की मौत हुई सर, उसका प्रोफाइल, नेम, एज क्या है, कौन है? अभी मोहित नाम का आदमी है जो 32 साल का है और इनका कुछ बात हुआ था। आरोप है कि वो लोग थाने गए, मिलने नहीं गए। इसकी हम लोग जांच कराएंगे। इसकी हम लोग जांच देखेंगे, जांच करेंगे, पूरी कार्रवाई फिर आपको अवगत कराएंगे। ठीक सर, ठीक ठीक। वहीं मोहित पांडे के घर वालों को सीएम योगी ने दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्यवाही का भरोसा दिया है।
साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। सरकारी आवास देने की भी बात कही गई है। वहीं सीएम योगी ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। देखा जाए तो ये हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस का। एक 32 साल का लड़का पुलिसिया गुंडई की भेंट चढ़ गया। सोचिए, छोटे और दूरदराज के जिलों में तो नंगा नाच होता होगा। वर्दी क्या मिल गई, गुंडई का लाइसेंस मिल गया है इनको। हैरानी वाली बात तो यह है कि एक महीने में एक नहीं बल्कि दो दो लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। 11 अक्टूबर को अमन गौतम नाम के एक दलित युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी और अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब 25 अक्टूबर को व्यापारी मोहित पांडे की। फिलहाल मोहित पांडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशानों की पुष्टि हुई है। आगे की जांच जारी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।